सर, एक ऑल टुगेदर बहुत अच्छा एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। जैसे अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, यहाँ पे लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ये इनिशिएटिव ही अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आज के टाइम में ये स्किल होना बहुत ज़रूरी है। तो इतने इंसाइट्स, इतने अच्छे स्पीकर्स थे, उनसे उनको सुन के बहुत अच्छा लगा और ऑल टुगेदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आपने क्या कुछ खास संदेश दिया खास करके लड़कियों? सर, आज के टाइम में जैसे हम देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट है, साथ साथ गर्ल एजुकेशन को भी, गर्ल्स एजुकेशन बहुत प्रमोट किया जा रहा है, तो आज के टाइम में जैसे हम एक डिस्क्रिमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट में देखते हैं, तो इक्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड एवरीथिंग। तो हाँ, मेरा एसएच यही कहना है सबसे कि आगे बढ़े, अब जब हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो क्यों ना हम उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करें और आगे बढ़े। सेक्टर 49 सैनिक कॉलोनी के इस DAV हमारा जो स्कूल है, इसके प्रिंसिपल ऑनरेबल श्री राजन गौतम जी हैं, और उनके साथ ही हमारा वृंदा स्कूल है जो एक SGM नगर में बहुत अच्छे लेवल पर चल रहा है, उनकी प्रिंसिपल विजय लक्ष्मी जी हैं। तो इन सब के साथ मिलकर के मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, और हमारे यूथ की नज़र में देश क्या है, लीडरशिप क्या है, वो क्या सोचते हैं, और एक छोटी छोटी इशू से लेकर बड़े पॉइंट्स तक बच्चों ने बहुत खुल करके पार्टिसिपेट किया, और देख करके बहुत मज़ा आया कि हम बहुत सारे मंच पे जाते हैं, हम अपनी बात रखते हैं, तो कुल मिला के आज बच्चों की बात सुनने का मौका मिला। और मैं सोचती हूँ कि अगर एक इस प्रकार की व्यवस्था हर स्कूल में साल में एक बार हो, टीचर्स के सेमिनार्स होते हैं, उसके साथ साथ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग सेमिनार्स हों। जैसे हम लोग, मैं भी पेरेंट हूँ, तो कभी कभी हम अपने बच्चों पर अपने सपने थोपने लगते हैं, तो उस सेमिनार के थ्रू हम बच्चे का जो कैलिबर है उसको निकाल करके उसमें बेस्ट लाने की कोशिश करें। CBSE 12th का रिजल्ट के नतीजे आए, क्या कुछ खास संदेश या शुभकामनाएं देंगे बच्चों को? तो बात यह है कि कोरोना के लंबे समय से, 2-2.5 साल से हमारा स्टडी सिस्टम जहाँ पर चैलेंज में आया, वहाँ पर उसके हमारे पास ऑप्शंस भी आए, और इन सारे हालातों में आगे बढ़ते हुए मैं बच्चों को शुभकामनाएं देती हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छा उत्तीर्ण किया, और जिन बच्चों के परसेंटेज कम भी आई है तो उनके पास आसमान छूने के लिए बहुत रास्ता पड़ा है, तो वो उसमें और आगे बढ़ें। ये लीडरशिप समिट अभी तक आपने सुना होगा, प्रिंसिपल्स की, टीचर्स की, इन सब की ऑर्गेनाइज हम करते आए हैं, बट सहोदय फरीदाबाद एजुकेशन चैप्टर और DAV सेक्टर 49 ने आज मिलके बच्चों के लिए लीडरशिप समिट का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें कुछ स्पीकर्स ऑफ़ PG जिंदल यूनिवर्सिटी से भी आए हुए हैं, और डिफरेंट फील्ड से हमने स्पीकर्स को बुलाया। अराउंड 250 स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से यहाँ आए हुए हैं, चार चार बच्चे हर एक स्कूल से आए हैं। तो ये सुबह से प्रोग्राम चल रहा है, और बच्चों में जो उत्साह हमें देखने को मिला है बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है, और हम चाहेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम टाइम टू टाइम हम ऑर्गेनाइज करें। सहोदय कॉम्प्लेक्स, जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं, हम टीचर्स की वर्कशॉप ऑलमोस्ट एवरी मंथ ऑर्गेनाइज करते हैं, बट बच्चों का ये प्रोग्राम DAV के माध्यम से हमने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया है, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। बच्चे सुबह से बहुत ही एक्साइटेड हैं, मोटिवेटेड हैं, और बहुत कुछ सीख रहे हैं। वास्तव में इस्कॉन के फाउंडर प्रभुपाद जी कहते थे कि हर व्यक्ति को लीडर बनना चाहिए, और हर व्यक्ति लीडर है। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठस, जो भी, जैसे जो पिता है वो बच्चों के लिए स्वाभाविक लीडर है, जो पति है वो पत्नी के लिए स्वाभाविक नेता है, जो अध्यापक है वो बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के स्वाभाविक नेता है। तो नेता का मतलब है ऐसा चरित्र होना कि अपने चरित्र के माध्यम से दूसरों में बदलाव लाए, पॉजिटिव चेंज लाए, उनके जीवन का मार्गदर्शन उनको मिले, उन पर अच्छी छाप छोड़े। तो उस रूप से हर व्यक्ति लीडर है, और लीडर को बहुत ही ध्यानपूर्वक भगवद्गीता के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार कार्य करना चाहिए। मैं राजन गौतम, प्रिंसिपल DAV पब्लिक स्कूल सेक्टर 49 फरीदाबाद। आज हम लोगों ने लीडरशिप समिट को ऑर्गेनाइज़ किया है, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसमें कि स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, उसी के आधारित हम लोग ने ये प्रोग्राम किया, जहाँ एक लीडरशिप बच्चों के अंदर डेवलप किया जा सके, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इंडिया जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और इस इकोनॉमी में हम लोगों को जो है सो फ्यूचर के लिए लीडर को तैयार करने की बहुत ज़रूरत है। जब मैं लीडर कहता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि पॉलिटिकल लीडर, लीडर का मतलब होता है खेल में लीडर, इस बिजनेस में लीडर, कंप्यूटर के क्षेत्र में लीडर, डिफरेंट क्षेत्र में लीडर, और ये
21st सेंचुरी है जहाँ पर कि वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं जो रिसर्च करें, इनोवेशन करें, और रिसर्च इनोवेशन में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, जिसमें कि फरीदाबाद सहोदया चैप्टर की विजयलक्ष्मी मैम का ये विजन था, उस विजन को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया और ऑनरेबल MLA सीमा तिरखा मैम इस इतने बिजी स्केड्यूल के बाद भी हमारे यहाँ आई और बच्चों से लगभग 3 से 4 घंटे इंटरेक्ट की, उनकी बातों को सुना, खुद और बच्चों से बात की। और मुझे नहीं लगता था कि आज वो एक MLA के रूप में बात कर रही थी, मुझे लग रहा था आज वो एक टीचर के रूप में बच्चों से, एक एक बच्चों से बात कर रही थी, लग रहा था वो एक अपनी क्लास ले रही थी, और बच्चे भी उनको बहुत प्यार करते हैं। एक चीज़ चाहूँगा, सीमा तिरखा मैम जो MLA हैं, उनको बुलाने का निर्णय मैंने नहीं लिया था, स्कूल काउंसिल जो होती है, उन काउंसिल में बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने लिया था कि हमारी जो लोकप्रिय MLA हैं वो हमारे स्कूल में चीफ गेस्ट में आए लीडरशिप समिट में, क्योंकि वो पहले एक शिक्षक रह चुकी हैं। थैंक यू।